एंड आज फ्लफी को अपने साथ लेके जाना था, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी निकली हूँ। सो अभी मैंने फ्लफी को बैठा दिया यहाँ पर, अभी पंचन नहीं किया है। ठीक है फ्लफी, बैठ जाओ, सिट डाउन सिट डाउन, उधर ही बैठो। ये ना कोशिश करता है जैसे मैं बाहर निकलती हूँ कि ये भी निकले। सो अभी क्या है कि जहाँ पर भी मैं जिस कंपनी में आ रही हूँ, ये मेरे पास था, ऐसे ऊपर आ जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग काफ़ी डिफरेंट होने वाला, बिकॉज आज मैं अकेले काम पर नहीं जा रही, मेरे साथ फ्लफी भी है, काम पर मेरे साथ जा रहा है। सो अब मैंने डिसाइड किया है कि उसे मैं अपने साथ ही ट्रक पर एवरीडे लेकर जाऊंगी, एंड इसलिए मैं इसको अभी लेकर आई हूँ अपने साथ। अभी तो काफ़ी समझदार हो गया है, सीट पर खुद ही बैठ जाता है, अगर अभी गोदी में आने की उतनी ज़िद्द नहीं करता। और देखते हैं ट्रक पे कैसा रहता है, बिकॉज़ मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ट्रक पर ये कैसे बिहेव करेगा, कैसे होगा, बिकॉज़ ये इसका फर्स्ट टाइम होगा जो आज ये मेरे साथ पूरा दिन ट्रक पर गुजारेगा। सो देखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा इसका कैसा रहेगा बिहेव, क्या करेगा। एंड आज फ्लफी को अपने साथ लेके जाना था, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी निकली हूँ, बिकॉज़ फर्स्ट डे है। सो इसको थोड़ा सेटल करना पड़ेगा ट्रक के अंदर, फिर पता नहीं ये कैसे बिहेव करेगा वो भी नहीं पता, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी निकली हूँ आज। अभी फ्लफी को मैं लेके ट्रक के अंदर बैठी हूँ, अभी मैंने पंचिंग नहीं किया, मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ। सो मैंने कहा कि चलो पहले इसको। सो अभी मैंने फ्लफी को बैठा दिया यहाँ पर, अभी पंचिंग नहीं किया है, बिकॉज अभी मैं जल्दी आ गई हूँ, थोड़ा टाइम दूँ पंचिंग करने के लिए। मैंने कहा पहले अंदर की चीज़ें एडजस्ट कर देती हूँ उसके लिए। सो एसी ऑन कर दिया है, यहाँ पे काइंड ऑफ मैट डाल दिया है, सो दैट वो बैग सके आराम से। और बैग्स को मैंने ऐसे ही रखा हुआ है साइड में, उस वाले बैग में इसका सामान है सारा। ठीक है फ्लफी, बैठ जाओ, सिट डाउन सिट डाउन, उधर ही बैठो, उधर बैठो। और मैं पंच इन करने जाती हूँ, बैठ इधर ही बैठो। अभी मैंने ये ट्रेलर को हुक किया है, और ये ना कोशिश करता है जैसे मैं बाहर निकलती हूँ कि ये भी निकले, इसलिए मैंने थोड़ा इसके बैट इसको लीश को इसमें थोड़ा सा अटका दिया है, सो दैट कि प्रॉब्लम ना हो। अभी इसने थोड़ा सा पानी पिया है, इसके लिए बिल्कुल न्यू है, बिकॉज ये पहले कभी ट्रक पे नहीं आया। मैंने ना इसकी ये जो लीश है इसको बांध दिया था वहाँ पे, अभी फ़िलहाल मैं किसी कंपनी में हूँ और यहाँ पे बैकअप करनी है, तो मैंने खोल दिया था। अभी देखो कैसे लटक के देखना है इसने। अंदर जाओ फ्लफी, अंदर बैठ जाओ, इधर खड़े रहो, बस खड़े रहो, नो नो। सो अभी क्या है कि जहाँ पर भी मैं जिस कंपनी में आ रही हूँ, ये मेरे पास था, ऐसे ऊपर आ जाता है, जिसको ना थोड़ा सा भी कोई खट्टा आता है या कुछ आता है तो इसको बड़ी डर सा जाता है कि पता नहीं क्या हो गया ना। तो अभी ये बैठा है गोदी में ऐसे, अभी मैं ऐसे उतारूँगी और मैं एक कंपनी में आई हूँ, यहाँ पे मुझे बैकअप करना है। काफ़ी इस तरह बैठा हुआ है मेरे पास, थोड़ा सा परेशान है आज, उसको समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है मतलब कि, और उसको नींद भी बहुत ज़्यादा तेज आ रही है, बहुत ज़्यादा, बट सो नहीं रहा है ना क्यों। अभी ना उसको थोड़ा सा अजीब हो रहा है कि फर्स्ट डे है उसका इस तरह ट्रक के ऊपर, वो कभी आया भी नहीं है, थोड़ा सा अजीब हो रहा है। सो मैं अभी यहाँ पर बैकअप कर रही हूँ। आज ना ये मुझे रोलिंग वाला इसका गेट वाला मिला है ट्रेलर, सो गेट ओपन करने की कोई टेंशन नहीं है, एक नंबर पे लगाना है। मुझे लगता है ज़्यादा ही पहले मैंने टर्न कर दिया, थोड़ा सा और आगे लेके जाना होगा।
से लग चुकी है बैकअप। अब अंदर कंपनी में जाके उनको पूछना होगा कि कितना है इनको पिकअप है एक्चुअली यहाँ से। सो कंपनी में अंदर जाके पूछना है अभी।